ममता बनर्जी के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 2019 का फूंका चुनावी बिगुल। मोदी ने नॉर्थ 24 प्रगना की ठाकुर नगर में रैली को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी की ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। नागरिकता कानून पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जुल्म और अत्याचार के बाद लोगों को अपने देश को छोड़कर भारत आना पड़ा। समाज के ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहने का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए हम नागरिकता का कानून लाए हैं। यूपी के अमरोहा में गजरौला में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। रमाबाई डिग्री कॉलेज के मैदान पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे समेत बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। यूपी सरकार की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का इटावा दौरा। दौरे के दौरान मीडिया से की बातचीत। प्रियंका गांधी और ओम प्रकाश राजभर पर जमकर साधा निशाना। नोएडा में सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ किया कूच। पुलिस को रोकने पर ही नोएडा जीएनडी पर भी लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। कई सालों से अधिकृत जमीन का सही मुआवजा न मिलने से किसान हैं परेशान। देश में मेक इन इंडिया के तहत तो बनाई गई भारतीय रेल की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस पर फेंका गया पत्थर। इससे उसका एक शीशा टूट गया और इससे पहले भी इस ट्रेन पर पत्थर फेंका जा चुका है। बिहार में कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार के तमाम दावे फेल। आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे की गोली मारकर की गई हत्या। मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में हर तबके को खुश करने की कोशिश की है और किसानों के लिए भी बजट में कई वादे। बजट से नाराज किसानों ने इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट करार दिया। किसानों ने कहा कि 500 रुपए महीने ऊंट के मुंह में गिरे की जैसा। योगी सरकार की यूपी पुलिस खड़ी है सवालों के घेरे में। मदद के लिए पहुंचे थे लोगों और कुछ दबंग पुलिस कर्मियों ने भी उल्टे उन्हें ही और उनके साथ की जमकर बदसलूकी। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए ई चालान प्रक्रिया लागू। प्रकरण में भी अयोध्या में ट्रैवल। यातायात के नियमों को तोड़ने वाले लोगों की फोटो खींचकर ऐप पर की जाएंगी अपलोड। आरटीओ कार्यालय में भी रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा ई चालान।